बारिश ने सानू की कहना जी, असी तो इन्नी ठंड से वह भी हंडाई है, हुण पिछे जे इन्नी गर्मी से वह भी हंडाई है, तो ये बारिश तो साडे वास्ते जड़ी बूटी का काम करूगी। और असी ये कहना चाहते हैं, साडे हौसले जौन दे तौं बुलंद है, ना तो असी बारिशों तो डरन वाले हैं, ना असी गर्मियों तो डरन वाले हैं, अस तो एवें ही रहांगे। जिन्ना चिर साडे भरा नूं रिहा नहीं करते, साडा हौसला इस तरह ही रहेगा और असी इत्थे पक्का मोर्चा ला के बैठे रहेंगे। सत श्री अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला, तुम जुड़ चुके हो पीवी न्यूज़ नाल। बिल्कुल सीधियां लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि बारिश किन्नी जोर दी है, लेकिन जो किसान ने उत्थे ही अटल ने अपनी मंगा नू लैके, किसानियों की रिहाई नू लैके सिरसा दे विच पूरी फुल बारिश हो रही है। प्रशासन दिखा रहे हैं कि SPO ऑफिस के बाहर का जो नज़ारा की है, किस तरीके दे नाल जो ड्यूटियां ने तैनात हो रही ने। दूसरी तरफ से पंडाल की गल करिए, किस तरह जो बारिश का पानी है अंदर आन तो रोकया जा रहा है। बिल्कुल पीवी न्यूज़ के माध्यम राही बिल्कुल सीधिया लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ किसान वीर भी साढ़े नाल मौजूद ने, उन्होंने भी गल करते हैं। सत श्रीकाल वीर जी। सत श्रीकाल जी। इन्नी बारिश पै रही है, धरना चल रहा, महान संग्राम चल रहा, की कहना चाहोगे? देखो जी, प्रशासन की नाकामी है ये। जे प्रशासन चाहे तो साडा हल हो सकता है, क्योंकि इन्हों के सारा सारे बारे है। इन्हों ये भी पता है कि जिनी देर तक साढ़े साथी रिहा नहीं होंगे, चाहे बारिश आए चाहे गर्मी आए, असी उन्नी देर तक उठन वाले नहीं। असी हल करके उठना है, साढ़े साथियों रिहा करके फिर ही इतों उठ सकते। उदू पहला ना तो असी उठिए, ना ही सरसा साहब आपका अनशन तोड़न। असी पक्के हैं वादे ते, शांतमई तरीके असी रहेंगे, इतने असी बैठे रहना। मीह हट जूगा, मीह के हटे तो बाद आपका टेंट फिर असी उस लोट व्यवस्था कर लेनी है। पहला वाग रात भी मीह आएगा, एंबूलेंस के सिरसा साहब न रख्या असी सारी रात, तो उस लोट ही टाइम पास कर लिया। ये साडा परख रब भी लेंदा है, तो प्रशासन भी लेंदा, तो सरकार भी लेंदी है, तो उस लोट असी जिमें भी परख लैणगे उवें परख देव। देखो जी, संघर्षी लोगों के हमेशा समा अनुकूल नहीं रहा, चाहे वह श्री राम होवे चाहे श्री कृष्ण होवे। श्री राम जी ने 14 साल का वनवास कट्टिया, तो श्री कृष्ण जी का जन्म ही कैद च होया सी, उन्हां दे माता पिता उदों कैदी सीगे। तो उस तो बाद साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते बैठे, तो 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए आपका सारा परिवार वारता। तो संघर्षी लोग उदों असी बाहरले मुगलों नाल या अंग्रेज़ों नाल लड़ते रहे, हुण इस देश दे ही कुछ लोग जो कि काले अंग्रेज़ बने हुए ने, वो अपने देश दे ही लोगों के देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। तुसीं देखा होगा थोड़े दिन पहला सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है कि किसानों के उत्ते तो देशद्रोह का मुकदमे नहीं बनता। ये सरकार नहीं है, तानाशाही रवैया अपना रहे, वोट राज नूं खत्म करना चाहते हैं। एक किसान ही है जिहड़ा सब तो बड़ा इस टाइम पर अंदोलन है, जिहड़ा इस देश की दिशा बदल सकता है। निके निके बच्चे खड़े ने, हत्थां दे विच झंडे ने, बारिश आ रही है, लेकिन जो किसानां दे हौसले ने उस तरीके दे नाल बुलंद ने। बिल्कुल पीवी न्यूज़ के माध्यम से बिल्कुल सीधियां लाइव तस्वीरां दिखा रहे हैं कि किस तरह जो किसान ने अपने मकसद लई अटे होए ने। जिन्ना टाइम तक किसानां दी जो रिहाई है वह नहीं होंदी, उन्ने टाइम तक वह इत्थों नहीं जाणगे। जदों असीं पहले दिन दिल्ली बार्डरां ते गए सी, जदों असी अपना संघर्ष शुरू किया सी, साढ़े उदों दे आ, मीह आवे नेरी आवे झखड़ आवे, जिन्ना चिर तिन्ने काले कानून दुरुस्त नहीं होंदे, MSP खरीद गरंटी नहीं होंदी, उन्नी देर असी वापस नहीं मुड़ांगे। तो ये मीह कणियां तो साढ़े खेतों में भी पैंदियां, जदों काम करदे इन्हां दी असी कोई परवाह नहीं करदे। जिवें तुहानूं दस्सणा चाहूंगा, रात भी मीह आया सीगा, इत्थे सिर्फ कल्ले किसान ही डटे सीगे, ये पुलिस प्रशासन, ये बैरीकेड, ये सारे खाली हो गए सीगे। साढ़े दृढ़ निश्चय आ, जिन्ना चिर साढ़े साथी रिहा नहीं होंगे, MSP खरीद गरंटी नहीं होंगी, तिने काले कानून रद्द नहीं होंगे, उन्नी देर तक कुछ भी आ, मीह आवे नेरी आवे झखड़ आवे, असी डटे रहेंगे। क्योंकि सब तो व्डा झखड़ तो इन्होंने साढ़े ते आ पाया, काले कानूनों का पाया होया है, इस तो वध की होगा। अभी तो कोई प्रशासन के हमारे पास मैसेज नहीं आया है, और आप देख रहे हो कितनी भारी बारिश शुरू हो गई है, रात भी बरसात आई थी और उसके अंदर भी
लोग जो है पूरे जोश के साथ यहाँ पे नारे लगा रहे हैं और बरसात के अंदर भी यहाँ पे डटे हुए हैं, क्योंकि हम सब लोगों को एक चिंता है कि हमारे जो गिरफ्तार किए हुए साथी हैं उनको रिहा करवाना है, दूसरे हमारे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन भी है, किसान आगू भी है, इनकी भी सबको चिंता है कि इनको भी कुछ नहीं होने देना है। तो बड़ी संख्या के अंदर लोग लगातार ये इस आंदोलन के अंदर है और हर हाल के अंदर प्रशासन को छोड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा अपना नाक का सवाल इन्होंने बना रखा है, अब ये अपना नाक बचाने का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हमें छोड़ने तो है लेकिन हमारा नाक भी बच जाए, बस वो ये थोड़ा सा रास्ता देख रहे हैं, बाकी रिहाई पक्की है। साथियों देव सिस्सा जी ने मनोरंजन से बैठे हुए ने, बारिश तेज़ है, उन्होंने एम्बूलेंस दे विच है उन्होंने बिठाया जा रहा है, रात भी बारिश सी, रात भी बारिश दे विच उन्होंने एम्बूलेंस दे विच रोकिया जा रहा सी। भुख हड़ताल से बैठे ने, इको ही मंग है कि जिन्ना टाइम तक जो किसानों की रिहाई है वो नहीं हो जाती उन्ना टाइम तक वो भुख हड़ताल से रहेंगे, इस तरीके दे नाल रहेंगे। मौसम भी काफ़ी ख़राब है लेकिन जो हौसले ने बहुत ज़्यादा बुलंद ने, होर भी अपडेट लैके जल्दी हाजिर होवेंगे, ज़्यादा अपडेट लिए जुड़े रहो पी वी न्यूज़। धन्यवाद।